एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, ड्रोन एंड एआई टेक्नोलॉजी, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सर कैन द यू एक्सप्लेन हिंदी एंड इंग्लिश? ओके, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन बोथ, ठीक यस है। सो व्हाट इज एग्रीकल्चर रोबोटिक्स? सर, जी होंगे, सो आपको अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, जो जिसको समझ में ना आए वो मुझे चैट में मैसेज कर देना, ठीक है, मैं देख लूँ। ओके, सो चलो स्टार्ट। ओके, सो एग्रीकल्चर रोबोटिक्स, तो बेसिकली एग्रीकल्चर रोबोटिक्स होता क्या है? एग्रीकल्चर रोबोटिक्स और व्हाट इज एग्रीकल्चर रोबोटिक्स? सो बेसिकली द एग्रीकल्चर रोबोट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से एआई एंड इज यूजुअली एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। सो बेसिकली एक एग्रीकल्चर रोबोटिक्स और जो एग्रीकल्चर रोबोट होता है वो क्या होता है ना, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कुछ एलिमेंट्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी और कुछ इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम को लेकर और उनको मिलाकर जो रोबोट बनता है या फिर जो मशीन बनता है उसको हम एग्रीकल्चर रोबोटिक्स बोलते हैं। और एग्रीकल्चर रोबोट बोलते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर में, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमको रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट और बेनिफिट्स देता है। ओके, सो इट इज अ डिवाइस दैट बिकॉज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मेक्स कॉम्प्लिकेटेड टास्क इजी टू परफॉर्म। सो एक रोबोट का जो काम होता है, द वर्क ऑफ अ रोबोट इज बेसिकली इज दैट इट विल रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। ओके, इन द डेफिनेशन ऑफ रोबोट दैट इज द वर्क ऑफ अ रोबोट इज रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में बहुत ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो, ठीक है, मैं यानी कि रोबोटिक्स में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि एक रोबोट को चलाता है। तो बिकॉज ऑफ सम प्रोग्रामिंग्स इट मेक्स द कॉम्प्लिकेटेड टास्क व्हिच इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर द ह्यूमंस, इट विल मेक द टास्क इजी टू परफॉर्म। ओके, सो इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, इट इज बेसिकली अ एग्रीकल्चर रोबोट, इट इज अ फूड कंट्रोल रोबोट। ओके, सो दिस रोबोट डज व्हाट, ये रोबोट जो होता है वो खेत खेत के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जाता है, ठीक है, मतलब कि दो लाइन में पेड़ हैं उनके अंदर जाता है और डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर वीड वगैरह है। यहाँ पर वीड मतलब हमारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम वीड बोलते हैं। तो यहाँ पर वो रोबोट वीड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एज पर द पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ सेंसर ओवर देयर एंड द रोबोट इज डिटेक्टिंग द, सो द लॉजिकल प्रोलिफरेशन ऑफ ऑटोमेटिक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इनटू बायो सिस्टम सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ग्रीन हाउस, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। इन एग्रीकल्चर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द रोबोट एनहांस प्रोडक्टिविटी आर इमेंस एंड द रोबोट्स आर अपीयरिंग ऑन फार्म्स इन वेरियस गाइजेस इन इंक्रीज नंबर। सो बेसिकली द एग्रीकल्चर रोबोटिक्स द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इन बायो सिस्टम्स। ओके, तो हम लोग रोबोटिक्स को इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और कमर्शियल यूज में भी यूज करते हैं, लेकिन जब हम रोबोटिक्स को हम लेते हैं एग्रीकल्चर में तो ये लॉजिकल प्रोलिफरेशन होता है किसका, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का इनटू बायो सिस्टम्स, ठीक है। मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर है दैट इज अ बायो बायो सिस्टम, ठीक है, एंड द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज द रोबोटिक्स। कंबाइनिंग दीज टू वी गेट द एग्रीकल्चर रोबोटिक्स सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ग्रीन हाउस एंड हॉर्टिकल्चर एंड इवन मोर। ओके, सो बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर रोबोट आज पर डेट, मतलब कि आज के दिन तक, ठीक है, आज के तारीख तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर रोबोटिक्स किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। So in agriculture, the opportunities for robot enhanced productivity are immense, and the robots are appearing on farms in various guises in increasing numbers. ठीक है, so basically हम लोग जो
ओपन फील्ड में ज्यादातर रोबोटिक्स को एग्रीकल्चर रोबोटिक्स आज तक ज्यादातर यूज नहीं हो पाया, ठीक है। यह ज्यादातर कहाँ पर यूज हो पाया है, फार्म्स वगैरह में हो गया, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओपन फील्ड में क्लोज फील्ड्स होते हैं, ठीक है, वहां पर हो गया, क्लोज फील्ड्स एंड फार्म्स, वहां पर हम लोग रोबोट एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी का यूज करते हैं, और वी गॉट द रोबोट्स इन वेरियस गाइजेस इन डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स इन इंक्रीजिंग नंबर, दैट इज द एग्रीकल्चर रोबोट फॉर यू इन फार्म्स एंड क्लोज फील्ड्स, ओके, इन ओपन फील्ड्स दैट इज अ लेस नंबर ऑफ robots, but it is comparatively less from the agriculture robot which is used in farms or closed fields. Okay, so basically how does a robot work, or you can say how does a agriculture robot work? Basically how does a robot work, it symbolizes the how the agriculture robot will work, but in some cases there are different processes and different works or different robots which use different kind of things, and their works are different. So basically, as you all know, the robot can move and sense. That is a normal thing. They require multiple sensors and controls that allow them to move in an unknown environment. Okay. So basically, robots करते क्या हैं? Robots एक जगह से दूसरी जगह तक move कर सकते हैं and sense करते हैं चीजों को, ठीक है? और they require multiple sensors and controls to that allows them to move in an unknown environment. Basically, उनको ज्यादा से ज्यादा multiple type of sensors and multiple type of controls का use होता है, और वो use करते हैं, जो कि उनको एक freedom देता है कि ज्यादा से ज्यादा तक move करने के लिए, जो कि जो environment उनको unknown, ठीक है। So basically, एक robot काम कैसे करता है, ठीक है? और एक agriculture robot काम कैसे करता है? So, as for everyone know that sensor is an input device. सभी को पता है कि sensor एक input device है. तो वो environment से data collect करता है. It collects the data from the environment. Then it sends the data to the computer or the motherboard or the IC board, whatever there is. It will be sending the data into the computer. Then the computer will process that data and make the decision to what to do with that data. Then whatever the output or whatever the work you have to do in that particular environment, that command will goes to the actuator from the computer. So the actuator will do the output work or any movable work, anything. Okay, so basically hota kya hai ki sensor input leta hai environment se, computer ko data deta hai, जो कि वो डेटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि उस डेटा के साथ क्या करना है। उसके बाद वो डेटा वो भेजता है एक्चुएटर को, और एक्चुएटर अपना काम करता है एनवायरनमेंट में। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम ले एक वीड कंट्रोलर मशीन को, ठीक है, तो वो बेसिकली सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं वीड्स को, उसके बाद वो कंप्यूटर जो कंप्यूटर या फिर मदरबोर्ड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है या फिर उस वीड के साथ क्या करना है। डिसीजन आया ये कि उस वीड को काटना है, ठीक है, तो एक्चुएटर में जो कटर मशीन होगा या फिर कटिंग टूल जो भी होगा, वो डेटा कंप्यूटर एक्चुएटर को डेटा देगा कि तुम जाओ उस वीड को काटो, ठीक है। उसके बाद वो कटिंग टूल जो भी होगा, दैट विल कट द वीड। दैट इज द प्रोसेस हाउ एग्रीकल्चर रोबोट वर्क्स। आई होप एवरीवन गॉट इट। कैन एनीवन रिप्लाई मी दैट यू गॉट इट, that how a robot walks? Yes, sir. Okay, thank you. So, robots operating types. So, basically, robot operating types का मतलब यहाँ पर होता है क्या? कि कितने types के चीजें लगते हैं, या फिर कितने types की चीजें होती हैं जो कि operate करते हैं एक robot में, जो एक robot को operational बनाती है, ठीक है? So, there are a number of parts, or you can say number of operating types or operating systems that make a robot operatable, or you can say operational. Okay, so there is first our controller or processor, that is the mind, and then there is our driver and actuator, that is the you can say leg or hand. Then there is our sensor, that is our senses of a human. Then there is our arm, everyone know that arm is our normal arms. Then there is our end effectors,
and the end effector, I'll be explaining that. So all these things are used or essential to make a robot operating for the particular purpose. Remember that every part of a robot or every operating type of a robot is used to make a robot operational for some particular purpose. Okay. So, controller. It is also known as computer. As we explained here, that the process will be done in a computer. So, this is a small computer. Okay. So, the controller functions as the brain of the robot. So, basically, ये जो कंट्रोलर होता है या फिर कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, रोबोट का ब्रेन होता है. ठीक है, बेसिकली आप लोग अब से ये मान लीजिए कि आप जो रोबोट अभी बना रहे हैं, आप एक रोबोट नहीं, आप एक इंसान बना रहे हैं. बट फर्क ये होगा कि इंसान ब्लड एंड मसल से बना हुआ है एंड बोन से बना हुआ है. यहाँ पर जो रोबोट हम बनाएंगे वो बनेगा किससे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, कंट्रोलर, ड्राइवर, एक्चुएटर, सेंसर, आर्म्स एंड इफेक्टर्स, इन सब से बनेगा. ठीक है, तो ये वाला जो चीज है, ये जो कंट्रोलर है, ये होता है हमारे रोबोट का ब्रेन होता है. ठीक है, जहां से कि आपको सारा डेटा जाएगा, ह्यूमन को जैसे डेटा जाता है ब्रेन से, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे डिसीजन लेता है ब्रेन. सो यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग काम जो होता है वो ब्रेन का होता है, किस डेटा का क्या करना है, कहाँ पर किस्सा कौन सा एक्ट करना है, वो सब ब्रेन चूज करता है या फिर कंट्रोलर यूज करता है, सॉरी चूज करता है. द कंट्रोलर ऑल्सो अलाउज द रोबोट टू बी नेटवर्क टू अदर सिस्टम्स सो दैट इट मे वर्क टूगेदर विद अदर मशीन्स, प्रोसेसेस एंड ऑर यू कैन से रोबोट्स. सो बेसिकली द कंट्रोलर गिव्स द इंडिपेंडेंसी और गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू कनेक्ट टू अदर सिस्टम्स. ओके, so in this picture here you can say there are some mini USB ports. Okay, so in every controller you will get some type of connecting chips or connecting ports that will be connect one system to another system. Okay, so that system will be networked to other system via the controller. Okay, so the controller is also allows the robot to network with other system, you can say with other machines, with other processes and other robots also. Okay, for data transfer or any other purposes you can use the controller to network with other system, other machines, other processes or other robots. So actuators and drivers. So the drivers or actuator is the engine of a robot. You can say engine or a robot, or you can say hand or leg of a robot in two types. Okay, बेसिकली हम लोग जो गाड़ी में यूज करते हैं जो ड्राइवर्स और एक्चुएटर्स, वो जो इंजन होते हैं. ठीक है, वहां पर जो इंजन होते हैं, यहाँ पर वो एक्चुएटर्स हो गए, नथिंग मच. समझे, अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़े होगे कोई भी, या फिर फर्स्ट ईयर में सभी इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोग जानते होंगे कि डीसी मोटर, मोटर्स वगैरह के बारे में जानते होंगे. डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक मोटर, देयर आर नंबर ऑफ मोटर्स. ओके, इवन देयर इज अ नंबर ऑफ सिलेंडर्स और एक्चुएटर्स. एक्चुएटर्स होते हैं वो रोबोट का इंजन होते हैं. द एक्चुएटर इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस मोशन. ओके, सिर्फ यही नहीं है, आगे और भी. ठीक है, सो द बेसिक द एक्चुएटर इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस मोशन. नॉट ओनली दैट, द एक्चुएटर इज वर्क्स लाइक अ, यू कैन से आउटपुट डिवाइस. मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, डीसी, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स, ये सारे जो मोटर्स हो गए, ये हो गए रोटेशनल मोटर्स, सॉरी रोटेशनल एक्चुएटर्स और रोटरी एक्चुएटर. देन देयर इज अ लीनियर एक्चुएटर, और जो लीनियर एक्चुएटर होते हैं वो बेसिकली हमारे सिलेंडर्स होते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिलेंडर वगैरह, बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली वो क्या करते हैं, लीनियर एक्चुएशन करते हैं. सो not only we can say drivers here, the actuators only, or you can say the rotary motion giving actuators are the only actuators, or the motors are only actuators. There are also cylinders are there which are also used as actuators. Okay, so ye sirf engine nahi hai, ye engine bhi hai aur ye output devices bhi hai jo ki motion produce karte hain. Theek hai, this ye jo types hai, ye jo rotary types hai, ye hai DC motor, stepper motor, servo motor, hydraulic motor, pneumatic motor,
एनी मोटर विच गिव्स यू सप व्हेन यू गिव सप्लाई इट गिव्स यू मोशन इन अ रोटरी सीक्वेंस दैट इज अ मोटर एंड व्हेन यू गिव सप्लाई टू अ सिलेंडर दैट गिव्स यू अ लीनियर एक्चुएशन दैट इज योर सिलेंडर ओके दीज आर द एक्चुएटर्स और ड्राइवर्स वी यूज इन द रोबोटिक्स देन देयर इज आवर सेंसर्स सो द सेंसर सेंड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बैक टू द कंट्रोलर Sensors can give the robot controller information about the surrounding. Robots can be designed and programmed to get specific information that is beyond that our senses can tell us. So basically, sensors क्या होते हैं? हम पहले भी ये discuss कर चुके हैं कि sensors जो होते हैं वो input devices होते हैं. ठीक है? जो input devices होते हैं वो क्या करते हैं? Data अगर आप यहाँ पर second point को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि सेंसर्स कैन गिव द रोबोट कंट्रोलर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सराउंडिंग ठीक है तो मैंने आपको जब बताया था वो जो हाउ रोबोट वॉक्स में कि डेटा को एनवायरनमेंट से फेच करना है उसको भेजना है कंट्रोलर के पास ठीक है और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिया गया है कि द सेंसर सेंड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बैक टू द कंट्रोलर जो भी डेटा वो कलेक्ट करता है सेंसर ये कंट्रोलर को कैसे देगा ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये टेम्परेचर मैंने इतना कलेक्ट किया है और यहाँ ये लो डेटा कि टेम्परेचर इतना है ये ले जाओ ऐसे तो नहीं कर सकता दैट इज अ सेंसर सो इट विल गिव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ओके इट कैन बी वोल्टेज इट कैन बी करंट बट बेसिकली इट इज वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इट सेंड्स द डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द कंट्रोलर ओके So robots can be designed and programmed as per the get specific information that is beyond what is our senses can tell us. So ये जो basic point है, ये है कि sensors जो हैं, वो हमारे जो दायरे होते हैं इंसान का, ठीक है? इंसान का जो दायरा होता है, कि limits होते हैं, इससे ज़्यादा वो smell नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा वो sense नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा वो देख नहीं सकता, ये जो limits हैं जो सेंसर्स हमारे पास हैं आजकल ठीक है इन टुडेज वर्ल्ड द सेंसर्स वी हैव दैट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड आवर सेंसर्स बियॉन्ड द ह्यूमन सेंसर्स दैट कैन सेंस एनीथिंग दैट गिव इन द गिवन पेरिमीटर और गिवन सराउंडिंग दैट ह्यूमन कैन टेल कांट टेल अस ओके सो उसको ऐसे डिजाइन किया गया है और रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है और ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो ऐसे सेंस करे चीजों को और स्पेसिफिकली पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लाकर दे जो कि हमारे सेंसर्स हमें नहीं बता सकते ठीक है रोबोट हमारा कैसे काम करता है कि बेसिकली अगर एक रोबोट को हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे ठीक है जो एग्रीकल्चर में एक रोबोट लगाएंगे तो हर समय में एक इंसान उसके साथ तो नहीं रह सकता ठीक है तो उसकी वजह से हम लोग करते क्या है कि वहां पर हमें एक सेंसर को इंस्टॉल करते हैं ठीक है अगर रोबोटिक्स में आगे जाके तुम लोग अगर पढ़ोगे ठीक है तो वहां पर आपका एक चैप्टर आएगा जो कि है सेंसर एंड एक्चुएटर्स ओके उस चैप्टर में आप लोग को देखने मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर कुछ चीजों को सेंस करते हैं लाइक आगे कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए एक सेपरेट सेंसर है जो कि सिर्फ यही डिटेक्ट करेगा कि आगे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है तो मुझे ये बात कंट्रोलर को पता लगाना मतलब बताना है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस और यू कैन से वोल्टेज के थ्रू मुझे उसको डेटा को देना है कंट्रोलर को फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि उसके उस डेटा के साथ जो आगे जो ऑब्जेक्ट है वहां पर क्या करना है क्या नहीं समझे इस तरह से वो एनवायरमेंट को सेंस करता है सेंसर्स के थ्रू ठीक है देयर आर अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सेंसर्स और यू कैन से लॉट ऑफ सेंसर्स आगे जाके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ पाओगे कि सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या क्या होते हैं कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं रोबोट्स कैसे काम करते हैं सेंसर्स को लेकर ओके मैंने आपको जो बताया वो एक बेसिक फंडामेंटल था ठीक है कि रोबोट सेंसर्स को लेकर कैसे वर्क करते हैं ठीक है समझे अभिषेक यस सर ओके थैंक यू सो या arms right so basically robotic arms hote kya hain yahan par maine aapko jab bola tha ki aap log visualize kar lo ki aap yahan par ek robot ne insaan bana rahe ho to
तो मैंने आपको इसी चीज को विजुअलाइज करने के लिए बोला था कि रोबोट्स आर्म इज लाइक अ ह्यूमन आर्म विथ शोल्डर एल्बो रिस्ट एंड फिंगर. सो बेसिकली आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पर ये हो गया क्या, ये हो गया आपका रिस्ट, देन देयर इज आवर फिंगर, ओके, उसके ऊपर हमारा एल्बो शोल्डर वगैरह वगैरह जो भी है. तो बेसिकली ये जो चीज होता है, ये होता है कि हमारा रिस्ट होता है ना, ये यहाँ से ये लग, ठीक है, तो रिस्ट हो गया, यहाँ पर आपका पाम हो गया, आपका फिंगर हो गया, ठीक है. तो इन सब को, इन सब का जो यूजेस है, ये रोबोटिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है. असिस्टिव रोबोट्स हो गए, नॉन असिस्टिव रोबोट्स हो गए, उसके बाद हमारा इवन एग्रीकल्चर रोबोट्स में भी हम लोग रोबोटिक्स आर्म यूज करते हैं पिक एंड थ्रो के लिए, ठीक है, जहां पर हम लोग किसी चीज को काट नहीं सकते, किसी चीज को जला नहीं सकते, उस टाइम पर हम लोग रोबोटिक आर्म्स यूज करते हैं ताकि उस चीज को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकें, ठीक है. रोबोटिक्स एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं. तो द आर्म इज द पार्ट ऑफ द रोबोट दैट पोजीशंस द एंड इफेक्टर एंड द सेंसर टू डू द प्री प्रोग्राम बिजनेस, ठीक है. सो बेसिकली ये एक ह्यूमनॉइड आर्म हो गया, ये एक ह्यूमनॉइड आर्म हो गया, बट एक्चुअली जो आर्म होता है वो यहां से लेकर, यानी कि एल्बो से या फिर शोल्डर से लेकर, ठीक है, यहां तक हो गया, इस रिस्ट तक, ठीक है, रिस्ट तक हो गया, वो होता है आर्म. उसके बाद आता है ये जो चीज आप देख रहे हो, पाम हैंड टाइप सिंबल, ठीक है, और हैंड टाइप थिंग, ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा एंड इफेक्टर, एंड एंड इफेक्टर कैन बी चेंज, ठीक है. द एंड इफेक्टर मीन्स द लास्ट लिंक ऑफ द रोबोट एट दिस पॉइंट और एट द एंड पॉइंट, द टूल्स आर अटैच्ड इन अ वाइडर सेंस. End effector can be seen as a part of a robot that interacts with the work environment. Okay. So basically, the end effectors होते हैं, वो last link होते हैं robot के. ठीक है. यहाँ पर ये देख लो कि ये जो robotic arm है या फिर hand है, इसका जो end part है, ये क्या है? ये एक palm है या फिर hand shaped tool है. ठीक है. तो यहाँ पर जो होता है, ये जो end point होते हैं, ये last में होते हैं, last link of the robot. At this end point, the tools are attached in a wider sense. End effector can be seen as a part of a robot that interacts with the work environment. So basically, ये जो actuators के end में लगता है, वो होता है हमारा robotic arm, ठीक है, जिसमें actuators लगे हुए होते हैं. उसके बाद आता है हमारा end effector, ठीक है. So basically, वो जो end effector होता है, वो कुछ भी हो सकेगा, कोई भी tool हो सकता है, gripper tool हो सकता है, या फिर pick and place वाला कोई tool हो सकता है, या फिर हमारा लाइटर हो सकता है जो कि बर्न करेगा. एग्रीकल्चर में ना हमारा एक इंडिकेटर होता है जो कि एक लाइटर की शेप की तरह होता है और जो आग छोड़ता है, ठीक है, तो वो बर्न करने के लिए यूज होता है. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स. कटर, कटिंग के लिए कटर मशीन भी होता है, छोटा सा कटिंग मशीन जो कि रोटेट करता है और जो पेड़ों को काटता है और वी कैन से वुड को काटता है. आगे जाकर हम लोग वो देखेंगे, ठीक है. सो रोबोटिक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, रोबोटिक एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर. तो हम लोग एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशन के लिए रोबोट्स को यूज करते हैं जो कि हमारा एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में आता है, विल बी लर्निंग अबाउट दैट. ओके, सो रोबोटिक एप्लीकेशन इज एग्रीकल्चर. देयर इज अवर लैंड प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग, सोइंग एंड प्लांटिंग, प्लांट ट्रीटमेंट, हार्वेस्टिंग, यील्ड एस्टिमेशन एंड फेनोटाइपिंग. सो बेसिकली एग्रीकल्चर के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है. पहले खेत जो होता है, खेत को जोतना पड़ता है, ठीक है, ताकि मिट्टी हमारी अच्छी रहे या फिर बनी रहे. देन वी हैव टू सो द सीड्स, देन देयर इज आवर प्लांटिंग, और एक से फिर से हम लोग उसको जोतते हैं जो कि प्लांट को सही से बैठने में हेल्प करेगा. उसके बाद प्लांट ट्रीटमेंट, देन देयर इज अ प्लांट ट्रीटमेंट. हम लोग प्लांट को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसमें पानी देते हैं, क्या क्या चीज करते हैं डेली बेसिस में, वो हो गया प्लांट ट्रीटमेंट. फिर हमारा पेड़ आ जाता है फाइनल स्टेज में जहां पर कि हार्वेस्टिंग होता है. तो हार्वेस्टिंग के लिए देन देयर इज अवर यील्ड एस्टिमेशन. उसके बाद जो हार्वेस्टिंग के बाद जो खेती में जो छोटे छोटे पेड़ बचते हैं उनको लेकर फिर से हल को खेत को जोतना ताकि वो उन्हें मिल जाए और वो खाद की तरह यूज हो सके, ठीक है. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. फॉर दिस डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस वी यूज आवर रोबोटिक्स और एग्रीकल्चर रोबोट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोबोट्स. ओके,
different kind of agricultural robots, which will be doing the land preparation, and before planting, the land preparation will be done by a separate robot. Then there is our sowing and planting, which is done by a separate robot. Then there is our plant treatment, that will be done by also a separate robot, and harvesting, that is also done by a separating robot, and yield estimation and phenotyping, that is also done by a separate robot. Okay, it is not like that. It is not like that. You can't make all these things in the same robot, but you will not get that same efficiency which will you get in separate kind of robots. Okay, even in machineries, okay, the machineries which runs on the diesel or petrol or kerosene, you can say, there is different kind of machines that for different purposes in agriculture. Why? Because if you make a single type of machine for different purposes, it will not give you the same efficiency that it will be giving in different machines. Okay, so basically क्या होता है कि machine में और जो agricultural machines होते हैं उनमें हम एक ही मशीन से सारा काम नहीं कर सकते. अगर हम एक ही मशीन से सारा काम करना चाहेंगे तो हमको वो उतना एफिशिएंसी से काम नहीं देगा, या फिर उतना एफिशिएंसी से आउटपुट नहीं देगा जितना इंडिविजुअल मशीन्स देंगे. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट प्लॉइंग, और यू कैन से सीड बेड प्रिपरेशन. ठीक है, प्लॉइंग मतलब खेत को जो जोतना होता है. ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस, द टॉप सॉइल इज मिक्स्ड एंड टर्न्ड टू प्रिपेयर द सीड बेड bearing the surface crop residue. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर का जो मिट्टी होता है उसको नीचे लेकर, नीचे का जो मिट्टी ऊपर लेकर उसको मिलाते हैं ताकि वो जो सरफेस में जो क्रॉप रहता है, ठीक है, मतलब कि मरे हुए क्रॉप रहते हैं या फिर जो पुराना क्रॉप रहता है वो मिल जाएगा अपने मिट्टी में, ताकि वो खाद की तरह काम करेगा और यहाँ पर हम जो सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा. ठीक है, उसके बाद आता है सीड मैपिंग. सीड मैपिंग क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है. ठीक है, इंसान के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो वो पता लगा सकता है कि कितने डिस्टेंस में एक सीड अगर हम डालेंगे तो इतने डिस्टेंस में ये क्रॉप उठेगा या फिर ये पेड़ उठेगा और वो आपको रिजल्ट देगा. ठीक है, मगर वो चीज रोबोट विदाउट एनी इंटेलिजेंस नहीं कर सकता. ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन आता है, वो क्या होता है, सीड मैपिंग. जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, जब हम बीज बोने के लिए जाते हैं उस टाइम पर हमारा जब रोबोट काम करता है तब वहां पर आता है सीड मैपिंग. मतलब कि क्या होता है कि वो जियोस्पेशियल पोजिशन जो होता है, ठीक है, मिट्टी का जो जियोस्पेशियल पोजिशन होता है, मतलब कि जियोग्राफिकल पोजिशन होता है जो मिट्टी का, उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है पहले कि इतना जगह एरिया है, यहाँ पर इस तरह का मिट्टी है, वहां पर वो है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है मिट्टी के बारे में. उसके बाद वो थोड़ा अंडरग्राउंड जाता है, ठीक है, जो कि सीड मैपिंग होता है. मतलब कि वो चेक करता है और काउंट करता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक डिस्टेंस में मैं अगर सीड डालूंगा, ठीक है, तो वो सीड ठीक से उठेगा या फिर सीड ठीक से पल पाएगा कि नहीं. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग द जियोस्पेशियल पोजीशन ऑफ द ईच सीड एज इट गोज अंडर ग्राउंड इन सीड मैपिंग. ठीक है, चेकिंग एंड काउंटिंग सीड बाय प्लेसिंग एन इंफ्रारेड सेंसर बिलो द सीड शूट. Seed cuts the infrared beam and triggers the data logger that records a position oriented of seeder. ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये मैप कर लेता है कि सीड यहाँ पर रखना है. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक सेंसर को सीड शूट में रखते हैं, मतलब कि मिट्टी के अंदर हम एक इंफ्रारेड सेंसर को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि जो रोबोट होता है उसी में ही इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ होता है, वो मिट्टी के अंदर थोड़ा जाता है और वहां पर सीड जब सीड क्या बोलते हैं उसके सीड जब उगने लगता है ना थोड़ा, ठीक है, उसके बाद वो इंफ्रारेड बीम को कट करता है. मतलब कि इंफ्रारेड बीम को कट करता है इन द सेंस कि वो डिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तभी वो इंफ्रारेड बीम जब ट्रिगर हो गया, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया, दैट टाइम वो जो रोबोट का सेंसर है, सेंसर ट्रिगर हो गया, दैट मींस कि वो डेटा लॉगर में जो रिकॉर्ड पोजीशन था वो पोजीशन मिल गया आपको. ठीक है, सो दैट इज द सीड मैपिंग. ठीक है, देन देयर इज रीसीड. ओके, सो बेसिकली रीसीडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है
रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे इंसान जब बनाते हैं या फिर खेती करते हैं तब रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई वेयर द सीड वाज नॉट प्लेस्ड एंड कैन ऑटोमेटिकली प्लेस अनदर सीड इन द सेम पोजीशन। सो बेसिकली जब इंसान पुट करता है सीड्स तब वो देख लेता है कि हाँ यहाँ पर यहाँ ये करना है, वो वहां पर वो करना है, वहां पर इतना सीड डालना है, वो डाल देता है। मगर जो रोबोट होता है वो एक प्रोसीडर में प्लान करता है, प्रोसीडर में काम करता है, ठीक है। वो प्रोसीडर में ऐसे काम करेगा कि इतना डिस्टेंस में इतना ही डालना है सीड, तो वो सीड डालता रहेगा, ठीक है। अगर कहीं जगह छूट गया तो वहां पर वो जो सेकेंड टाइम में जाता है सीडिंग करने के लिए या फिर चेक करके जो जगह खाली है वहां पर सीड डालने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीसीडिंग, ठीक है। मतलब कि वो डबल चेक करता है और मेक श्योर करता है कि कोई जगह छूटे ना, ठीक है। तो उसके बाद आता है सीड प्लेसिंग। सो सीड प्लेसिंग भी एक प्रोसेस है जो कि रोबोट अपने आप करता है, ठीक है। वो क्या करता है वहां पर, प्लेसिंग द सीड सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम एयर लाइट वाटर, ठीक है। तो सीड को एक ऐसी जगह पर प्लांट करना है जहां पर मैक्सिमम एयर लाइट और वाटर मिले ताकि वो सीड अच्छे से ग्रो कर सके एक प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली हम मैंने अभी जब बोला रोबोट एक पैटर्न फॉलो करता है या फिर एक प्रोसीजर में काम करता है, तो बेसिकली हेक्सागोनल और ट्रायंगुलर सीडिंग पैटर्न और लेस स्पेस इन अ रो एंड मोर बिटवीन रोज इज मे अप्लाइड बाय यूजिंग रोबोट्स, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न में या फिर कम स्पेस में एक रो में या फिर ज्यादा स्पेस बिटवीन रोज, मतलब दो रो में ज्यादा स्पेस लेकर जो पैटर्न्स में बनाते हैं, सॉरी जो पैटर्न में सीड प्लेसिंग होता है उसको सीड प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि किया जाता है एक रोबोट के द्वारा, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर में और पैटर्न फॉलो करके। सो देन देयर इज आवर टाइप्स ऑफ रोबोट यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या क्या रोबोट्स हैं हमारे जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, कैसे कैसे टाइप के रोबोट्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में रोबोट होते हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, विल बी लर्निंग अबाउट दैट जस्ट अ मिनट। बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डीमीटर जो कि होता है हार्वेस्टिंग के लिए, देन देयर इज आवर रोबोट फॉर वेट कंट्रोल, देन देयर इज आवर फॉरेस्टर रोबोट, देन देयर इज आवर रोबोट इन हॉर्टिकल्चर, देन देयर इज आवर फूड पिकिंग रोबोट। सो बेसिकली ये सब जो रोबोट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। सो व्हाट इज दैट, विल बी लर्निंग हियर। सो देन देयर इज आवर फील्ड रोबोट्स एंड मोबाइल रोबोट्स। सो बेसिकली जो फील्ड रोबोट्स होते हैं वो फील्ड रोबोट्स क्या करते हैं, फील्ड में एक ही जगह पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहते हैं और वो एनवायरमेंट के हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। फील्ड रोबोट्स वर्क विद द रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट एंड मीडियम, दे चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने आप को फील्ड के हिसाब से या फिर एनवायरमेंट के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन देयर इज अ मोबाइल रोबोट, मोबाइल रोबोट इज आर द सेम, बट वो क्या करते हैं, उनके पास मोबिलिटी होता है यानी कि मूव करने का एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो बेसिकली मोबाइल रोबोट्स आर दोज व्हिच पॉसेसेस मोबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, द एंटायर सिस्टम ऑफ मूव्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया हमारा डीमीटर। डीमीटर इज अ रोबोट दैट कैन कट क्रॉप्स। प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योर माइक। सो डीमीटर इज अ रोबोट दैट कैन कट क्रॉप्स, इट लुक्स लाइक नॉर्मल हार्वेस्टर बट कैन ड्राइव इटसेल्फ, कैन ड्राइव बाय इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन सुपरविजन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये क्रॉप्स को कट करता है जस्ट लाइक ए नॉर्मल हार्वेस्टर, ठीक है। जो हार्वेस्टर रोबोट होता है या फिर हार्वेस्टर मशीन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कट करता है, ठीक है, क्रॉप्स को कट करता है और उनको लेकर एक जगह में रखता है, ठीक है। वो ये जो डीमीटर है इसका काम भी यही है, बट ये अपने आप करता है विदाउट एनी ह्यूमन सुपरविजन और विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सो डीमीटर हैज अ कैमरास ऑन इट दैट कैन डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द crop that has been cut and crop that hasn't, ठीक है। डीमीटर में एक कैमरा लगा हुआ है जो कि एक सेंसर की तरह यूज काम करता है और ये डिटेक्ट करता है
कि एक डिफरेंस एक कटे हुए क्रॉप में और एक ना कटे हुए क्रॉप में, ठीक है। द डीमीटर रोबोट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन बाय रिमोट कंट्रोल और डीमीटर कैन बी टॉट अ पैथ देन फॉलोज द पैथ यूजिंग इट्स ओन ऑनबोर्ड सेंसर एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली डीमीटर को हम दो तरह से चला सकते हैं, जो कि है एक रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं और इसको हम एक प्री डिफाइंड पैथ भी डिजाइन करके दे सकते हैं और डेटा डाल सकते हैं प्री डिफाइंड पैथ, जो कि ये उसको फॉलो करते ही मतलब अपने अंदर जो सेंसर है ऑनबोर्ड सेंसर है इसके पास उसको यूज करके और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को यूज करके ये उस पैथ को फॉलो करके अपना काम कर सकता है। ओके एवरीवन गॉट व्हाट इज डीमीटर। देन देयर इज आवर वीड कंट्रोल, ठीक है। वीड कंट्रोल का फोटो भी है हमारे पास। हाँ सो बेसिकली वीड कंट्रोल क्या होता है, वीड कंट्रोल इज अ फोर व्हील ड्राइव वीड सीकिंग रोबोट that develops and task of the weed removing device is to remove or destroy the weed. So basically weed क्या होता है, जो unwanted plants होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप grow कर देते हैं, जैसे कि हो गया हमारा बहुत सारा unwanted plants होते हैं हमारे crop में या फिर fields में, so उनको destroy करने का या फिर remove करने का काम जो होता है weed control robot का होता है। weed control robot is that a four wheel drive जो कि robot सीक करता है वीड्स को, ठीक है, मतलब कि ये ढूंढता है कहां पर वीड्स है, डिटेक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसके जो डिस्ट्रॉय का जो प्रोसीजर है ये बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है। सो क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रोज कैन बी वीडेड बाय रनिंग अ थिन आउट बिटवीन द क्रॉप रोज, ठीक है। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रोज कैन बी वीडेड बाय रनिंग अ थिन आउट बिटवीन द क्रॉप रोज, ठीक है। So, weed identification is based on the color photography. The equipped robot helps production of weed maps identifying plants. ठीक है, so basically क्या होता है, यहाँ weed controller और weed identifying के लिए भी हम कैमरा का यूज करते हैं जो कि कलर फोटोग्राफी यूज करता है, ठीक है। ये एक कलर रे छोड़ता है अपने आप में जो कि इंसान को दिखाई नहीं देता, यू कैन से दैट इज ऑल्सो इंफ्रारेड, तो वो डिफरेंशिएट करता है दो चीजों में कि कौन सा वीड है और कौन सा हमारा पेड़ है या फिर क्रॉप है, दोनों को आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंशिएट करता है, देन जो वीड निकलता है, ठीक है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। सो बेसिकली हियर इज आवर वीड ट्रैकर 2100। इट इज ये का हो रहा है, व्हाट इज दिस सेंटर प्रोसेस भाई, वाला So here is our weed tracker 2100. As you can see here, this is our satellite receiver, ठीक है, which will be used for controlling by hands or you can say remote control. Okay. Then there is our CPUs are here. After that, there is our sensors over here. And these are our actuators. These are our driving wheels, ठीक है. ड्राइविंग व्हील्स अपने आप को ड्राइव करते हैं, टोटली सिस्टम को ड्राइव करते हैं। सीपीयूज जो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं वीड्स को, ठीक है, सेंसर्स और कैमरास होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं वीड्स को, ये डेटा सीपीयू को भेजते हैं, सीपीयू डिसाइड करता है कि उनको काटना है या फिर चलाना है या फिर टोटली वहां से पिक करके उसको जड़ से निकालना है, ये सीपीयू चूज करता है। और यहाँ पर हमारे एक्चुएटर्स हो गए या फिर टूल्स हो गए, ये सब देख लीजिए कि ये कट करने के लिए यूज होता है कटिंग टाइप के लिए, ये हमारा प्लॉगिंग टाइप के लिए होता है, उसके बाद ये बर्न करने के लिए होता है और ये कट करने के लिए होता है, ठीक है। सो दिस इज द वीड ट्रैकर एंड दिस इज द वीड ट्रैकर इन रियल लाइफ, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ रियल लाइफ वीड ट्रैकर। सो रोबोट गैंट्री, पहले मैंने आपको बताया कि ओपन फील्ड में हम लोग ज्यादातर रोबोट्स का यूज नहीं करते कंपैरेटिवली टू द क्लोज सिस्टम्स, ठीक है। तो ये जो क्लोज सिस्टम है यहाँ पर हम रोबोट गैंट्री का यूज करते हैं। सो बेसिकली द ट्रेडिशनल स्प्रेइंग कैन बी वेरी एफिशिएंट स्पेशली व्हेन दे कवर लार्ज एरिया, ठीक है। ट्रेडिशनल स्प्रेइंग क्या होता है कि मोटर लगा के पानी छोड़ दो, पूरा एकदम बारिश कम के स्टाइल में वो पानी छोड़ता है, ठीक है। बट रोबोट गैंट्री वुड अप्लाई बोथ लिक्विड स्प्रे एंड फर्टिलाइजर एंड बी एबल टू रेगुलेट इटसेल्फ according to current weather conditions, ठीक है। If it is too windy, then the gantry could stop and wait until the condition improved. Sensing system could be mounted on a trolley that could move along the spray boom as a
इन द क्रॉप स्काउटिंग सेक्शन. ठीक है, सो बेसिकली रोबोट गैंट्री करता क्या है कि ये जो रोबोट गैंट्री होता है इसमें ना स्प्रेइंग के लिए कुछ नोजल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और इसमें एक टैंकर होता है. सो बेसिकली इसमें जो टैंकर होता है इसमें, ठीक है, दोनों लिक्विड स्प्रेज और फर्टिलाइजर मिलकर होते हैं, उसमें नोजल्स होता है स्प्रे के लिए. ये जो होता है ये लार्ज एरिया एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि ये अपना चलता रहता है, उसके बाद एरिया डिटेक्ट करके वो स्प्रे करता रहता है अपना फर्टिलाइजर लिक्विड स्प्रेज वगैरह जो भी यूज होते हैं, ठीक है, उनको स्प्रे करता है. और हाँ, एज पर अ रोबोट ये विंडी सिचुएशंस को, वेदर कंडीशंस को कंसिडर करके, करंट वेदर सिचुएशंस को कंडीशन को कंसिडर करके ही काम करता है. सपोज मान लीजिए कि कंडीशन ऑफ वेदर कंडीशन टू विंडी है, मतलब कि अगर ये कुछ स्प्रे करता है तो वो जिस जगह पर डलना चाहिए या फिर जिस जगह पर गिरना चाहिए वो वहां पर नहीं गिरेगा, उड़ जाएगा कहीं और गिरेगा, तो उस टाइम पर रोबोट गैंट्री जो होता है, गैंट्री रोबोट जो होता है वो स्टॉप कर देता है या फिर वहीं पर रह जाता है जब तक कि कंडीशंस इंप्रूव नहीं होते, जब तक कि विंड बहना स्टॉप नहीं हो जाता. ठीक है, तो ऐसा करके रोबोट गैंट्री स्प्रेइंग का स्प्रेइंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सो फॉरेस्ट रोबोट, बेसिकली फॉरेस्ट रोबोट होते क्या है, ये मोबाइल रोबोट होते हैं. ठीक है, मोबाइल रोबोट यानी कि जो कि टेरेंस को टेरेंस में ट्रेवर्स कर सकते हैं या फिर बहुत सारी जगह पर जो जिस जगह पर लोग नहीं जा सकते वहां पर जा सकते हैं. अ फियरलेस मोबाइल रोबोट इज हेल्पिंग साइंटिस्ट इन मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस इन फॉरेस्ट. ट्री बॉट कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड नेटवर्क सेंसर्स, अ वेबकैम एंड अ वायरलेस नेटवर्क. इट इज अ सोलर पावर्ड एंड मूव्स अप एंड डाउन स्पेशल केबल्स टू टेक सैंपल्स एंड मेजरमेंट्स फॉर वाइटल एनालिसिस. सो बेसिकली होता क्या है कि फॉरेस्ट रोबोट्स मोबाइल रोबोट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट को एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं फॉरेस्ट में उसको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं. ट्री बॉट्स, सो बेसिकली जो फॉरेस्ट रोबोट्स होते हैं वो नॉर्मली मतलब कि इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है कि सेंसर्स, वेबकैम और वायरलेस नेटलिंक, जिससे कि आप लोग लिंक कर सकते हो अपने मॉनिटरिंग स्टेशन से. ठीक है, इट इज सोलर पावर्ड एंड मूव्स अप एंड डाउन स्पेशल केबल्स टू टेक द सैंपल्स एंड मेजरमेंट फॉर वाइटल एनालिसिस. ठीक है, सो बेसिकली ये जो फॉरेस्ट में डीप फॉरेस्ट में जाते हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकता, जहां पर की टेरेन्स है, ट्रेवल्स है, ठीक है, वहां पर जब नहीं जा सकते तो हम लोग फॉरेस्ट के रोबोट्स को यूज करते हैं. सो बेसिकली ये सब यूज होते हैं मेजरमेंट और सैंपल्स को लाने के लिए फॉर वाइटल एनालिसिस. ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम फॉरेस्ट रोबोट्स को यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फॉरेस्टर रोबोट. ठीक है, दिस इज द फॉरेस्ट रोबोट जो कि क्या बोलते हैं एनालिसिस में हेल्प करता है. और ये हो गया फॉरेस्टर रोबोट जो कि जिसका कि एक्सेस और जॉज होते हैं जो कि फ्रूट पिकिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, या फिर पेड़ को काटने के लिए यूज करते हैं, या फिर पेड़ में कुछ लगा हुआ है या फिर कुछ रह गया तो उसको लाने के लिए यूज करते हैं, इस तरह के यूज करते हैं जो कि बड़े बड़े पेड़ों के लिए हम लोग फॉरेस्टर रोबोट्स यूज करते हैं. ठीक है, देन देयर इज रोबोट इन हॉर्टिकल्चर. रोबोट इन हॉर्टिकल्चर इज रोबोट इज यूज्ड इन लॉन्स टू कट ग्रासेस एंड लॉन्स. सो इट कैन कट एनी लॉन regardless of any of its geometric shape. It operates electrically on rechargeable batteries, mulching blades, whisper quiet operation without any pollution. ठीक है, so basically हम लोग horticulture में जो होता है grass को cut करने के लिए use करते हैं, lawn में use करते हैं, किस तरह का भी geometric shape हो उस चीज का हम लोग use करते हैं robot को, ताकि वो lawn में grass को cut कर सके. और ये क्वाइटली काम करता है, साउंड वगैरह नहीं करता, जैसे कि मशीन जब काम करते हैं बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, ये वो नहीं करता. रिचार्जेबल बैटरीज पर यूज होता है यानी कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा है. मल्चिंग ब्लेड्स होते हैं इसमें. सो दीज आर द रोबोट्स इन हॉर्टिकल्चर. फ्रूट पिकिंग रोबोट, सो बेसिकली ये होता है फ्रूट पिकिंग रोबोट. फ्रूट पिकिंग रोबोट करता क्या है, इसमें जॉइंट्स और लिंक्स होते हैं और ये एक एंड इफेक्टर होता है विद अ सेंसर. सेंसर क्या करता है कि जो राइप फ्रूट होता है उसका एक इमेज होता है इसके पास, या फिर वो डिटेक्ट करता है कि बाकी फ्रूट से ये फ्रूट राइप है, इसका कलर थोड़ा मतलब कलर जिसका कलर कोड दिया गया होगा कि ऐसा कलर होगा तो ही लाना, तो वो उस पिक फ्रूट को सेंस करके पिक करता है.
सो वहाँ यहीं पर ये लिखा हुआ है कि the fruit picking robot need to pick ripe fruit without damaging the branches or leaves of the tree. The robots must be able to access all areas of the tree being harvesting. If a match is obtained, the fruit is picked. ठीक है? So this is the fruit picking robot. Advantages of using agricultural robots. So these robots are capable of collecting crops and soil samples. They are also capable of mowing, spraying pesticides, finding diseases or parasites, and performing mechanical weeding. Agricultural robots may have cameras and sensors which detect weeds and another form of stress. Their sensors are used to spray only the area affected by the parasite instead of entire crop. Okay. तो बेसिकली एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में क्या होता है ना, हम लोग रोबोट्स को यूज करते हैं क्रॉप और सॉइल का सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, कुछ डिजीज हुए हैं अगर पेड़ों को तो क्या डिजीज है वो फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कोई पैरासाइट लगा हुआ है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, मैकेनिकल वीडिंग को परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद कैमराज और सेंसर्स होते हैं जो कि वीड और किसी अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस जो कि पेड़ को बढ़ने नहीं दे रहा है उसको यूज कर उसको ढूंढ के उसको खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर रोबोट्स भी यूज होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये सब काम हम लोग एग्रीकल्चर रोबोट्स के द्वारा कर पाते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. डिसएडवांटेजेस, वेदर देयर इज एडवांटेजेस देयर इज आल्सो इंटर देयर इज आल्सो अ डिसएडवांटेजेस. सो बेसिकली दोज आर ड्राइवलेस मशीन्स फॉर एग्रीकल्चर इज अ लायबिलिटी एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी. Not currently scale neutral, better sensors scale neutral, then improved scouting program would be essential. Robots could change the culture, emotional appeal of the agriculture, energy is too costly. ठीक है, so basically जब हम लोग agriculture में driverless machines use करते हैं तो वो liability हो जाता है access to technology. ठीक है, वो disadvantage हो जाता है. ठीक है, जो कि इंसान को काम करने नहीं दे रहा उस तरह का. ठीक है, not currently scale neutral, तो basically अभी तक neutral के हिसाब से scale नहीं हुआ है, better senses में scale नहीं हो पा रहा है, neutrally मतलब कि ये neutral रह रहा है, तो improved scouting program should be essential. ठीक है, तो scouting मतलब कि ये जो घूमता है पेड़ों को check करने के लिए उसको थोड़ा improve करना पड़ता है. ठीक है, time to time improve हो रहा है but और improve करने का जरूरत. So robots could change the culture, emotional appeal of agriculture. ये होता है कि जैसे हम लोग जो होते हैं हमारे क्या फार्मर्स, उनको एक ऑब्सेशन होता है ये, या फिर उनको एक इमोशन होता है अपने काम से, अपने खेती बाड़ी से उनको एक इमोशन होता है, तो रोबोट वो कल्चर को चेंज कर देगा. एनर्जी इश्यूज एंड कॉस्ट इश्यूज होते हैं आज भी उनसे, वो यूज बेसिकली वी यूज batteries and some rechargeable things over there, so that will be energy issue at any time. Then there is the robots are costly, so these are the all disadvantages. Okay, so let me know that up until now whatever I told everyone got it, please let me know. हेलो, या एवरीवन गॉट इट? हेलो, यस सर. ओके, थैंक यू. सो देन देयर कम्स द फ्यूचर स्कोप आवर. Just a second, guys. Okay, so here is our future scope of agriculture robotics. मतलब कि future में ठीक है क्या-क्या चीजें हैं जो agriculture robotics को suit करेंगी? Suit करेंगी मतलब कि क्या क्या रोबोटिक्स एग्रीकल्चर रोबोट्स हैं जो कि फ्यूचर में ही मतलब फ्यूचर में एग्रीकल्चर रोबोट्स को आगे लेकर जाएंगी. ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट है फ्लाइंग माइक्रोबॉट्स. ठीक है,
फ्लाइंग माइक्रोबॉट्स मतलब कि छोटे छोटे रोबोट्स होंगे, ठीक है, जो कि उड़ पाएंगे, उसके साथ वो फील्ड में, ठीक है, वो फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, ठीक है, मतलब कि टोटल काम इसका यही रहेगा, डेटा कलेक्शन एंड कॉज फाइंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है. सो साइंटिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर डिजाइनिंग मिडगेट रोबोट्स टू स्काउट बैटलफील्ड्स और यू कैन से द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सर्च फॉर रिकॉर्ड इमेजेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट और वीड्स का जो कंट्रोल होता है उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आगे जाकर फ्लाइंग माइक्रोबोट्स का यूज करेंगे. उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, जो कि पेड़ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या हो रहा है, या उसका इमेज रिकॉर्ड करके जाकर किसी स्पेशलाइज जगह पर उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है. सो दीज आर द फ्लाइंग माइक्रोबोट्स. देन वी गॉट अवर एग्री सूट रोबोट सूट या फिर एग्रीकल्चर रोबोट सूट. सो बेसिकली एग्रीकल्चर रोबोट सूट में इंसान तो एक सूट पहनेगा ही, ठीक है, बट उसके साथ उसके जॉइंट्स पर वो रोबोटिक जॉइंट्स, उसके पैर के साथ रोबोटिक लिंक्स, ये सब लगे हुए होंगे जो कि उसको एक रोबोटिक सूट का क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो उसको देंगी, या फिर ह्यूमन के एफिशिएंसी को बहुत, मतलब बहुत गुना बढ़ा देंगे, ठीक है. द रोबोट सूट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू हेल्प आउट द टफ एग्रीकल्चर वर्क लाइक कूलिंग रेडिशेस, ठीक है. सो जो काम बेल करता है उसके लिए हमको बेल खरीदना नहीं पड़ेगा, या फिर किसी ट्रैक्टर को हायर नहीं करना पड़ेगा, उस जगह पर आप खुद ही एक रोबोटिक सूट पहनकर एक रेडिश को खींच सकते हैं, ठीक है. द करेंटली मॉडल वेट 55 pounds एंड यूजेस 16 सेंसर्स टू फंक्शन. स्टिल डिजाइनर्स आर वर्किंग ऑन इट और वर्किंग ऑन द सूट टू रिड्यूस द वेट, ठीक है. सो बेसिकली उसके बाद आता है हमारा सोलर एग्री रोबोट और यू कैन से सोलर एग्रीकल्चर रोबोट. Okay, so there is our solar agriculture robot. Using solar panels, this agriculture autonomous machine could work for more than 100 hours without stop. अगर solar panels से हमको दिन के 7-8 घंटे चार्ज में मिल जाते हैं, directly वो चार्ज से काम करता है और उसके बाद बैटरी में स्टोर करता है, तो आराम से एक मशीन 100 आवर्स तक काम कर सकती है विदाउट स्टॉप. सो इट कुड कट ग्रासेस एंड वीड्स टू विदिन 2-3 centimeters ऑफ वाइन and has a speed up that allows it to work in 500 meters per hour. So ye 500 meters per hour ke speed se kaam kar sakta hai aur ye grass aur weeds ko cut kar sakta hai jo ki 2-3 centimeters ke hote hain, theek hai. So a french company hai jo ki design karta hai smart autonomous robots called vt robots jo ki solar panel ke sath aate hain, theek hai. Ye ek vt robot ka ek model hai jo ki सोलर पैनल से चलता है, सोलर पैनल में स्टोर करता है एनर्जी, देन ये काम करता है उसी एनर्जी से काम करता है. उसके बाद ये जो सोलर एनर्जी लेता है वो एक बैटरी में स्टोर करता है जो कि उसको सूरज ढलने के बाद भी काम करने में हेल्प करता है, ठीक है. सो ये हो गया हमारा सोलर एग्रीकल्चर रोबोटिक्स. सो द फ्यूचर इज नाउ एंड इट इज हैपनिंग. ओके, सो these are some inspired people from the robots that are using some unique ideas to make the machines for agriculture. So ye sab dekh lijiye, these are some pictures which is made by some inspired people who are going for the innovational agriculture. Okay, so ye ho gaya aapka motor chalane ke liye bike ka pizza aisa use karke यहाँ पर चलाइए और यहाँ पर मोटर चलेगा. सो ये हो गया आपका पानी स्प्रे करने के लिए अपने खेती में, ठीक है. ये हो गया खेत जोतने के लिए, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज व्हिच आर मेड बाय इंस्पायरिंग पीपल. ओके,
सो इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एआई का, ठीक है. सो व्हाट इज एआई बेसिकली, हम लोग जो एआई के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अभी एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में एआई का जो यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यू कैन से द एआई इज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज एबल टू डू टास्क और सॉल्व प्रोग्राम्स दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो बेसिकली होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और डेवलप्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि काम करते हैं, वहां से एक्सपीरियंस गेन करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस. मतलब कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक इंटरप्रिटेशन है जो कि आर्टिफिशियल है, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. नॉट ओनली यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, इट यूजेस सम सेंसर्स, some actuators, some models, or even some controllers, all those things make a computer program to happen in such a way that it will make a AI or intelligence from gathering information from the surroundings. So basically hota kya hai ki data humko collect karna hai kahan se, environment se, to wo ho jayega hamare sensors ke dwara. Sensors ke dwara ho gaya, uske baad kya hota hai, वो भेजता है उस डेटा को कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर उसके बाद क्या करता है, उसको वहां पर जो डिसीजन लेता है, ठीक है, वहीं पर एक काम होता है क्या कि वो जो भी डिसीजन लेगा और जो भी डेटा उसके पास आया, उस डेटा को प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा लिखा जाता है कि वो उस डेटा को स्टोर करेगा, उस डेटा से एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करेगा, उनको लर्न करेगा. उनको लर्न करने के बाद वहां पर जो भी डेटा वगैरह सब था उसको मिलाकर वो अपने आप परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. मतलब कि एक बार वो एक काम हुआ, ठीक है, उस डेटा का, उस डेटा का रिकॉर्ड रहा अपने कंप्यूटर के पास थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. देन अगर सेकेंड टाइम वो चीज होता है तो उस टाइम में एक मतलब एक रोबोट को कैसे बिहेव करना है ये प्रीडिफाइंड हो जाता है. दैट इज द इंटेलिजेंस, और यू कैन से दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस, सॉरी दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक द यूज ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट, फॉर द एनवायरमेंट, टू द एनवायरमेंट, दैट इज एआई. AI के concepts सबको समझ आया. So things like visual perception, speech recognition and decision making, which needs human intelligence, can be achieved by computer programs that have uses that intelligence and capability to solve these tasks. So basically क्या होता है कि visual perception जो होता है जो कि इंसान के आंख देता है, देखता है, speech recognition जो कि कान से होता है, decision making जो brain से होता है, all these things needs human intelligence, ठीक है. So, ये सब चीजें ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करती है. तो ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करती है, ये जो चीजें होती हैं, वो अचीव हो सकती हैं बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा हम लोग उसे अचीव कर सकते हैं. तो यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व दिस टास्क, ठीक है, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि एक कैमरा में हम लोग एक फेस को देखे, उसको रिकॉग्नाइज किए, उसको उस डेटा को हमने अपने स्टोरेज में रख लिया. फिर जब हम लोग दूसरे टाइम उस डेटा को देखते हैं या फिर उस पर्सन को देखते हैं थ्रू अ कैमरा, हम लोग जब देखते हैं उस पर्सन के फेस को, तब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे स्टोरेज के साथ उस फेस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अगर कोई फेस मैच हो गया एट दैट टाइम हम लोगों को विजुअल परसेप्शन मिल गया या फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, टास्क सॉल्व हो गया, दैट मींस दैट इज द एआई, ठीक है. सो ऐसे करके स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल परसेप्शन हो गया, ये सब एआई के द्वारा भी हो सकता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिक्वायर करती है या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होती है, ठीक है. सो देन देयर इज आवर एआई टेक्नोलॉजी.
in agriculture box. ठीक है, तो एआई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रोबोटिक्स में ऐसे यूज होती है कि यहाँ पर इन दिस पिक्चर आप देख लीजिए कि ये डिटेक्ट करता है पहले, यहाँ पर जो सेंसर्स वगैरह होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं पहले, डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कितने अमाउंट का प्रेशर प्रेशर से कितने अमाउंट का फर्टिलाइजर डालना है उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर जाके ये डालते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पर ये जो पैथ आप देख रहे हो ये पैथ ऑटोमेटिक है। ठीक है, इस पर वो जो होता है क्या हमारा रोबोट होता है या फिर उसका जो ट्रेवर्स होता है वो ट्रैवल करता है उसी रैक पर, हर पेड़ को पर्टिकुलरली स्प्रे करता है पानी। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दिस वन इज योर कैमरा एंड दिस इज होल्डिंग अ फ्लावर और अ प्लांट यू कैन से। ठीक है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इसका फोटो ले रहा है, डे बाय डे इसका फोटो लेता है। ठीक है, पेड़ सही से बढ़ रहा है कि नहीं उसका एनालाइज करता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो ये डिटेक्ट करता है। सेम गोज फॉर हियर, ये यहाँ पर ठीक है पिक करते हैं पेड़ों को या फिर फ्लावर्स को पिक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डे बाय डे ये सब जो फ्लावर्स होते हैं वो कितना ब्लूम किया है, कितना बढ़ रहा है, उसको ये डे बाय डे चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही ये जाकर एक डिसीजन पर आते हैं या फिर एक सर्टन पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर इनको पता चल जाता है अपने इंटेलिजेंस से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि अगर एक फ्लावर इतना ब्लूम हुआ होता है तो वहां पर हमको उसे पिक करना चाहिए। सो एट दैट टाइम वो एआई का इस्तेमाल करके अपने रैक के हिसाब से पानी या फिर फर्टिलाइजर देते हैं, कितना फर्टिलाइजर कहाँ लगना चाहिए, उसके बाद कहाँ कितना फर्टिलाइजर किस पेड़ पर कितना लगना चाहिए ये करते हैं। उसके बाद पेड़ का जो ग्रोथ होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या चाहिए वो लाकर इसको देते हैं थ्रू एआई। ठीक है, ये जो सेकंड वाला पिक्चर है थ्रू एआई ये करता है। उसके बाद हो गया हमारा जो कितना ब्लूम होने के बाद उसको निकालना है या फिर उसको पिक करना है, ये होता है एआई के द्वारा। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपेंड बाय एआई इन एग्रीकल्चर रोबोटिक्स एंड द टेक्नोलॉजी इज growing even more and someday we have to see the future scopes are that doesn't require any human intervention and the robot is doing all in this own in the field through AI technology. ठीक है, so here is the end of the session, that is we will be concluding our session right here. This robotic equipment may be in our future but there are important reasons for thinking that it may or may not be just replacing the human driver to computer drive. Also, robot can work for limitless time at that end of they can't get any resources or power source. Okay. All agri robots are using solar panels, then it less cost effective to handle all or you can say handle the people. We try to do agriculture robots will most helping to farmers. ठीक है, सो